नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की ऑप्शन बेसिक लर्निंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा हाउ टू ट्रेड ऑप्शन यूजिंग ऑप्शन चैन। मतलब है दोस्तों कि ऑप्शन चैन हमें किस तरीके से ट्रेडिंग में मदद करेगी, इसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस किया है, जिसमें से पहला कंसेप्ट है हाउ टू फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दूसरा जो कंसेप्ट है दोस्तों वो है मैक्सपेन क्या होता है, और तीसरा जो कंसेप्ट है वो है पुट कॉल रेशियो यानी कि PCR। ये तीनों कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों मैं फिर स्क्रीन पर चलता हूँ, वहाँ पर चल के एक एक करके आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ अपने स्क्रीन पे और आज का पहला कंसेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला कंसेप्ट है दोस्तों हाउ टू फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूजिंग ऑप्शन चैन। तो दोस्तों पहले देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस जैसा कि स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, स्ट्राइक प्राइस एट विच देयर इज मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट इन कॉल ऑप्शन। इसका क्या है मतलब? इसका मतलब है दोस्तों कि जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा ऑप्शन राइटिंग की गई है वो एक ओपन इंटरेस्ट बन जाता है, वहाँ पे एक मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट बिल्ट हो जाता है। जो भी मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट बिल्ट हो जाता है कॉल साइड में, वो एक रेजिस्टेंस के जैसा बिहेव करता है। इसको आगे हम चल के इंडेक्स पे देखेंगे निफ्टी में कि वो कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, उसे हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो पहले दोस्तों मैं सपोर्ट भी देख लेते हैं, फिर हम चल के देखेंगे सपोर्ट क्या होता है। स्ट्राइक प्राइस एट विच देयर इज मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट इन पुट ऑप्शन, यानी कि जो पुट साइड में है वहाँ पे पुट राइटर ने जिस स्ट्राइक प्राइस को बिल्डअप किया है वो एक सपोर्ट के जैसा बिहेव करता है। यानी कि पुट साइड में जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है वहाँ पे वो एक सपोर्ट के जैसा बिहेव करेगा, और कॉल साइड में जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है वो एक रेजिस्टेंस के जैसा बिहेव करेगा। तो दोस्तों इसको हम NSE की साइट पे चलते हैं और वहाँ जाके निफ्टी पे जाके देखते हैं कि इसे हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले तो मैं NSE का वेबसाइट खोल लेता हूँ, फिर देखेंगे कैसे होता है। तो दोस्तों पहले तो आप NSEIndia.com साइट खोल लीजिए, जैसा कि मैंने आप गूगल भी करके भी जा सकते हैं। NSE इंडिया मैंने क्लिक कर लिया, अब यहाँ पे NSE इंडिया को आपने खोल लीजिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट डाटा, जब आप मार्केट डाटा पे जाएंगे तो यहाँ ऑप्शन चैन आ जाएगा, ऑप्शन चैन को मैंने क्लिक कर दिया। अब जैसे ही ये ऑप्शन चैन है, बाय डिफॉल्ट यहाँ निफ्टी का जो ऑप्शन चैन है वो ओपन हो चुका है। अभी करेंट एक्सपायरी 17 मार्च की है, तो 17 मार्च की जो ऑप्शन चैन है वो ओपन हो गई। तब मैं दोस्तों यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ और निफ्टी जो है अभी चल रहा है 17,300 के आसपास। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट किस जो कॉल साइड में है वो कहाँ पे है। दोस्तों यहाँ पे हेडिंग आप देख रहे होंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड में OI है, OI का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे 17,300 पे 155,273 कॉन्ट्रैक्ट अभी ओपन है। इसी तरीके से आप स्क्रॉल करते जाइए और नीचे जाके ओपन इंटरेस्ट में देखिए सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है। तो दोस्तों ये अभी ये जो 17,300 स्ट्राइक प्राइस है यहीं पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है 155,273। तो दोस्तों ये जो 17,300 है ये एक रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगा, क्योंकि अगर प्राइस इससे ऊपर जाने लगेगी तो ऑप्शन राइटर को बहुत बड़ा नुकसान होने लगेगा, इसीलिए वो एक रेजिस्टेंस बन जाता है। अब जो है सपोर्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, सपोर्ट के लिए ऐसा भी मैंने पहले डिस्कस किया कि पुट साइड में हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा पुट साइड में कहाँ पर ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों आप इधर मैं स्क्रॉल करके ऊपर आ गया, ऊपर में राइट हैंड साइड में OI जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप देखिए कि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 16,000 पे 112,000 है। अब आगे चल के हम देखते हैं इससे ज़्यादा 112,000 से कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा है। तो दोस्तों यहाँ पे कहीं भी 112,000 से कॉन्ट्रैक्ट जब 17,200 पे आप देखोगे तो यहाँ पे 101,995 कॉन्ट्रैक्ट हैं, यानी कि यहाँ पे जो अभी सपोर्ट है वो 16,000 का सपोर्ट है सबसे ज़्यादा। यहाँ पे 16,000 सपोर्ट बन गया और 17,300 रेजिस्टेंस बन गया। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। नेक्स्ट कंसेप्ट है दोस्तों मैक्सपेन। मैक्सपेन क्या होता है? दोस्तों मैक्सपेन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा, मैक्सपेन वो स्ट्राइक प्राइस जहाँ पे ऑप्शन बायर को सबसे ज्यादा नुकसान होता है उसे हम बोलते हैं मैक्सपेन एक्सपायरी वाले दिन। तो उसको हम पहले रीड आउट कर लेते हैं। ऑप्शन मैक्सपेन इज द स्ट्राइक प्राइस वेयर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट विल एक्सपायर वर्थलेस। इसका मतलब है दोस्तों एक्सपायरी के दिन वो स्ट्राइक प्राइस वर्थलेस एक्सपायर हो गई, वहाँ पे ऑप्शन बायर को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इन अदर वर्ड मैक्स ऑप्शन पेन इज द स्ट्राइक वेयर द कम्बाइंड ओपन इंटरेस्ट ऑफ कॉल एंड पुट इज द हाईएस्ट। अब दोस्तों इसको निकालने के लिए हमें वो स्ट्राइक प्राइस देखना पड़ता है जहाँ पे कॉल एंड पुट दोनों की मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है। जब हम दोनों को जोड़ देते हैं
तो वहाँ पे जो भी सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट मिलता है वो एक मैक्सिमम पॉइंट बन जाता है, क्योंकि उस स्टैक पे अगर ऑप्शन की एक्सपायरी होगी तो वहाँ पे ऑप्शन बायर को नुकसान होता है, और जब ऑप्शन बायर को नुकसान होता है तो वहाँ पे उनको एक पेन होता है। तो इसीलिए इस कंसेप्ट का ही नाम है मैक्स पेन। अब मैक्स पेन दोस्तों कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैं ले चलता हूँ आप लोग को NSE की साइट पे, और फिर वहाँ पे मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि हम मैक्स पेन किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों ये मैंने NSE की साइट को पहले हम खोल लेते हैं, और फिर देखते हैं कि उसे हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ये मैं दोस्तों मैंने NSE की साइट क्लिक कर ली, ओपन हो गया। अब यहाँ पे जब आप मार्केट डाटा में जाओगे तो यहाँ पे ऑप्शन चेन दिख रहा होगा, इसको आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों अभी करेंट की 17 मार्च की एक्सपायरी तो खत्म हो चुकी है, तो हम नेक्स्ट एक्सपायरी की ओर चलते हैं। ये निफ्टी का ऑप्शन चेन मैंने ओपन कर लिया है, यहाँ पे मैंने 24 मार्च का ऑप्शन चेन ओपन कर लिया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एक डाउनलोड सेक्शन बटन दिख रहा होगा, आप लोग को यहाँ पे इसको इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। जब आप डाउनलोड कर लोगे इसके बाद इस फाइल को आपको ओपन करना है। ये मैंने पहले से ये फाइल डाउनलोड करके आप लोगों के लिए ओपन किया हुआ, तो पहले मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों जब ये फाइल ओपन होगी आप देख रहे होंगे ऑप्शन चैन ईडी 24 मार्च का जो है ओपन हो चुका है। अब हमें मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए हम इसके सीधे राइट साइड में जाएंगे, और यहाँ पे एक सम का फार्मूला हेडिंग जैसे मैंने सम का लिखा, यहाँ पे आप लोगों को जो है ये मैं करके दिखा देता हूँ। ये जो ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड की, ये कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट, इसमें आपको पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट ऐड कर देना है, और ये ऐड करके आप लोगों को इसे जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है ऑप्शन चेन की सभी को नीचे करते हुए सभी में कॉपी पेस्ट कर दिए। तो यहाँ पे मैं गया 19,300 तक का स्ट्राइक प्राइस है, इसको मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मैक्स पेन पॉइंट जैसा कि हमने डिफिनेशन में देखा, वो स्ट्राइक प्राइस जहाँ सबसे ज़्यादा कॉल और पुट हो कि ओपन इंटरेस्ट है। तो दोस्तों ये मैंने फिल्टर लगा लिया। अब आप यहाँ फिल्टर लगा के देखोगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है वो है 63,810, यानी कि 63,810। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, 63,810 जो है उसकी स्टार्ट प्राइस आप जाओगे तो यहाँ पे देखोगे 17,300। ये मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। तो ये अभी दोस्तों ये 24 मार्च की निफ्टी की एक्सपायरी में मैक्स पेन पॉइंट जो है वो 17,300 है। इसको आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन के लिए मैंने फार्मूला बताया, आप चाहो तो डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जो 17,300 की स्टैक दिख रही होगी, इधर कॉल साइड में 34,726 ओपन इंटरेस्ट है, जबकि पुट साइड में देखोगे 29,000 है। तो दोस्तों मैक्सिमम चांसेस है कि इस वीक की एक्सपायरी 17,300 के आसपास होगी, लेकिन इसे हमें डेली बेसिस पे ट्रैक भी करना होता है कि मैक्स पेन पॉइंट ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है या नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा है। तो इस तरीके से हम मैक्स पेन पॉइंट की मदद से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं ऑप्शन की। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, और ये देखते हैं पुट कॉल रेशियो क्या होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PCR। पुट कॉल रेशियो दोस्तों एक तरीके का इंडिकेटर है ऑप्शन चेन का, जिसकी सहायता से हम मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो पहचान पाते हैं। इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ पुट कॉन्ट्रैक्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों इसको मैं NSE की साइट पर ले चल के फिर से आपको ऑप्शन चेन डाउनलोड करके बताता हूँ कि हम पुट कॉल रेशियो किस तरीके से डाउनलोड करेंगे और उसका कंक्लूजन किस तरीके से होगा। तो दोस्तों आपको NSE की साइट पर फिर से जाना है और ये डाउनलोड कर लेना है। तो ये जैसे मैंने ऑप्शन चैन अभी खोला हुआ है, तो यहाँ पे आपको फिर से ऑप्शन चैन जो है यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। अभी मैंने पहले डाउनलोड किया था तो मैं उसी फाइल को दोबारा से खोल लेता हूँ। ये दोस्तों ये 24 मार्च की एक्सपायरी की ओपन इंटरेस्ट खोला हुआ है मैंने निफ्टी इंडेक्स का। तो आपको PCR कैलकुलेट जो करना है वो ये करना है, जैसे ये कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया हुआ, फिर से मैं लगा देता हूँ। ये सम का फार्मूला जो है ये आपको लगा देना है कॉल साइड में भी और पुट साइड में भी, ओपन इंटरेस्ट का जो मैक्सिमम है। यहाँ पे दोस्तों ये मैंने कॉल साइड का फार्मूला लगा दिया, सम कर दिया, सिंपल सा फार्मूला है। यहाँ पे आप देखोगे 493,495 कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड में आ गए। इसी फार्मूले को मैं इधर ले जाता हूँ और पुट साइड में पेश कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे 539,090 है, यानी कि अब PCR कैलकुलेट जो करना है वो कैसे करना है, PCR ये मैंने लिख दिया PCR। अब इसको दोस्तों ये मैं करूँगा टोटल नंबर ऑफ पुट कॉन्ट्रैक्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि अभी आपने डेफिनेशन में देखा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे PCR आ गया 1.092। अब ये PCR को हम कंक्लूजन किस तरीके से निकालेंगे जिससे कि हमारे ट्रेड में मदद मिल पाएगी। दोस्तों PCR जो है वो अगर एक से ज़्यादा है, ग्रेटर देन वन है, तो ये जो है ये व्यू हो जाता है हमारा बुलिश,
इसी तरीके से अगर पीसीआर, जैसा कि मैं लिख के दिखाता हूँ, पीसीआर निगेटिव है यानी कि एक से कम है, तो ये बन जाता है एक बियरिश व्यू। लेकिन दोस्तों ये एक टाइम आता है जब ये ओवरसोल्ड और ओवरबॉट जोन में भी चला जाता है, कि जब भी पीसीआर जो है ये जैसे एक से ज़्यादा ये बुलिश व्यू है, लेकिन जब ये 1.5 से ज़्यादा हो जाए, जब भी 1.5 से ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे एक नियर टर्म जो है वो मार्केट की मूड जो है वो रिवर्सल के आसपास हो जाता है, तो यहाँ पे वो ओवरसोल्ड भी बन जाता है और ओवरबॉट भी बन जाता है। इसी तरीके से जैसे बुलिश व्यू में पीसीआर एक से ज़्यादा है तो ये बुलिश है, लेकिन 1.5 के आसपास आ जाएगा तो वहाँ पे चांसेस है कि रिवर्सल हो जाएगी। इसी तरीके से ठीक इसके विपरीत जो है लेस देन 1 है तो बियरिश है, लेकिन जब ये 0.5 के आसपास आ जाए यहाँ पे जो है हमारा सेंटिमेंट बदल जाता है और बहुत नियर टर्म में मार्केट में रिवर्सल की उम्मीद होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और ये जो तीनों इम्पोर्टेंट बेसिक कंसेप्ट हमने डिस्कस किया ऑप्शन चेन से रिलेटेड जो कि हमारी ट्रेडिंग में मदद करेगी वो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। लेकिन फिर भी आपको अगर किसी तरीके की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने का। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।